हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम राज्यसभा टीवी के पॉलिसी वॉच की सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलिसी वॉच हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसीज के बारे में अच्छे से साउंडफुल एक डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो इंडिया विल शिफ्ट टू BS6 नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया हमारी जो है वो BS4 से BS6 की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेक्चर देखने को मिलेगा। BS6 के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिलेगी आपको। तो लास्ट तक बने रहिए। थैंक। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए लेक्चर। और जो लोग नए हैं वो लेक्चर में वो जाके लेक्चर्स को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसको जाके देख लें। क्रैश कोर्स भी हमारा बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। अभी ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चल रहा है, बाकी आगे हम एनवायरमेंट और सारी चीज़ों को लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन निकल के आता है, तो BS6 जो है हमारा ये एक नए प्रकार का इमिशन है। ये चीज़ हमको याद रखना है, BS6 से न्यू इमिशन। ठीक है, तो न्यू इमिशन है, स्टैंडर्ड है। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 2020 से BS6 जो है हमारा लागू हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी तक हमारा BS4 चल रहा है। ठीक है, तो हम जो एक हमारी कैटेगरी है BS5 की, उसको हम यहाँ पे नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट जंप करके BS4 से BS6 में हम पहुंच गए हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था 24 अक्टूबर 2019 को कि नो BS4 व्हीकल वुड बी सोल्ड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2020। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी BS4 व्हीकल जो होगा नहीं सोल्ड किया जाएगा। तो BS का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? भारत स्टेज। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकल के हमारा आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा निकल के आया है जो, तो ये जो BS के बारे में निकल के आया है, तो डिकोडिंग द BS के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे टू स्टार्ट विद द BS6 स्टैंड फॉर द 12 स्टेट हम देख चुके हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, रोमन जो नंबर इससे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, अब ये जो होता है कि यूरो की स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड जो होता है यूरो, उससे रिलेटेड है। यूरो जो है ग्लोबली में हम यूरो कहते हैं और यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर भारत स्टेट कहा जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है ना, और आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। तो और इसके अंदर देखिए द इमिशन स्टैंडर्ड वे सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप द चेक्स ऑन द पॉल्यूटेंट लेबल इमिटेड बाय द व्हीकल दैट यूज कम्बनीशन इंजन टू ब्रिंग देम टू फोर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट एंड टाइमलाइन। यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है CPCB जो है हमारी है, CPCB ने एक टाइमलाइन सेट कर दिया है। कौन किसने से किया है? CPCB ने टाइमलाइन सेट कर दिया है और स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं यूरो 4 और यूरो 6 के बारे में, जो ग्लोबली होता है वर्ल्ड के दूसरी जगह पे जो होगा, दूसरे नेशंस में वो यूरो यूज किया जाता है, यूरो इमिशन का, जो कि लगभग लगभग सिमिलर है हमारे भारत स्टेट से। ठीक है ना, तो छोटी 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 जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन चीज़ आएगी वो ही मैं आपको लोगों को बता ही दूंगा इसके अंदर। जैसे डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर हम क्यों BS6 लेके आ रहे हैं, BS4 से हम BS6 में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगा। देखा अब क्या होता है, BS जो एक हमारा जो देखिए यहाँ पे जो चेंज होता है दो चीज़ में होता है, एक तो इंजन के अंदर चेंज होता है, ये देखिए इंजन के अंदर चेंज होगा और एक ऑयल के अंदर चेंज होगा, तो दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, BS4 की जो कैटेगरी में जो इंजन बन रहे थे और जो उनकी कैटेगरी में जो ऑयल आ रहे थे, ठीक है, उनसे जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है और पॉल्यूशन निकलता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन जो BS4 जो है 6 जो है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसका जो इमिशन होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब देखना है हमें जो BS6 ऑटो फ्यूल नॉर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, जो सल्फर होता है अब उसका प्रेजेंस देख लेते हैं। ठीक है, जो न्यूली इंट्रोड्यूस फ्यूल किया जाएगा, जो अभी हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक ना, अभी हम दोनों की बात करेंगे लेकिन रिसेंटली हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो फ्यूल के अंदर जो होगा सल्फर रिलीज जो है 80% तक कम कर दिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है,
80% तक सल्फर का जो रिलीज है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है, 50 ppm से लेकर 10 ppm तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारी है बहुत ही हार्मफुल गैसेस है, ठीक है, पॉल्यूटेंट गैस है, तो उसको नियरली जो डीजल कार होगी उसके लिए बताया गया, जो डीजल कार्स होंगी उसके लिए एक्सपेक्टेड किया गया है रिड्यूस नियरली 70% नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे, और जो पेट्रोल कार्स होंगी इंजन होंगे उनके लिए 25% दिया गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड दिस नॉर्म्स, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन का टॉपिक आता है या पॉल्यूशन का टॉपिक आता है तो आप फटाफट ये सारी चीजें फटाफट मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, BS6 के बारे में एक एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया तो BS6 आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया, एक तो दिल्ली अगर हमारी जो कैपिटल है तो वो वर्ल्ड की सबसे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी के अंदर आ चुकी है, नंबर वन पे है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी के अंदर दिल्ली है, तो देखिए तो उसको हमको कर्व करना है, तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्कीम्स जैसे ऑड इवन स्कीम एक्सपेरिमेंट किया गया है, जुडिशियल एक्टिविटी मतलब बायो डीजल ऑयल डीजल कार्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इसका खास रिजल्ट निकल के नहीं आया जैसे हम इन सारी चीज़ों को कर्व कर सके, ठीक है, तो धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ें, और ग्लोबली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं पहले, जैसे यूरो 5 जो है चाइना वगैरह में आ चुका है पहले ही, हम वैसे भी अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लैग चल रहे हैं, तो हमें ये अभी इम्पोर्टेंट है कि हम इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इंजन की बात करते हैं, हमने पेट्रोल की बात कर ली कि पेट्रोल के अंदर सल्फर का कंटेंट कम हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो इंजन होता है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझिए कि BS4 और BS6 के इंजन में क्या डिफरेंस रहता है। तो BS4 जो कार होती है ये BS4 कार है हमारी, ठीक है, कैन रन ऑन BS6 फ्यूल, BS4 कार है वो BS6 के फ्यूल में भी रन कर सकती है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ऐसा समझ लीजिए हमारा इंजन जो है BS4 का है लेकिन ऑयल जो हमको मिल रहा है BS6 का मिल रहा है, तो जो फ्यूल की अपनी जो क्षमता है वो फ्यूल तो दिखा रही है, ठीक है, मतलब जो सल्फर का इमिशन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन हो गया, जो हमारी पॉल्यूटेड गैसेस हैं उनका इमिशन कम तो हो जाएगा लेकिन उसकी जो क्षमता है कि वो इतना कम कर सके वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कम तो होगा पर एक लिमिट तक, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। और यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्लीनर फ्यूल इमिशन जो है सल्फर लेबर विल बी लोअर, अगर हम दोनों को BS6 को इंजन को रखते हैं तो BS6 इंजन क्या करता है, फिल्टर करता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन वगैरह को, ये छोटी छोटी चीजों को वहां पे वर्क किया गया है, उसे बहुत ही ज्यादा एडवांस करने के लिए अपग्रेड किया गया है, ठीक है ना, तो फिल्टर वगैरह लगा के उस शरीर को अपग्रेड किया गया कि जो भी इमिट कर रहे हैं वो सारी चीज़, जैसे इंजन का जो परफॉर्मेंस होगा सल्फर लेबर विल बी लोअर, दस द एसिडिक फॉर्म विल बी लोअर देन द इंजन ऑयल ऑयल, तो पहले के कंपैरिजन में जो ये सारी चीज़ें होगी वो डाउन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो ये थोड़ा सी चीज़ें याद रखनी। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या है, तो इसके आगे जो है इंजन की और बात करते हैं, तो इवन फ्यूल विल बी मच क्लीनर, देखिए फ्लूइड जो है क्लीनर तो है, अगर फ्यूल की क्लीनर है हमारे पास और इंजन भी हमारे पास अच्छा तगड़ा अगर आ जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का आ जाए, तो अगर दोनों चीज़ मिल जाए तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा जाएगा, जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ रिजल्ट हमें मिलेगी, लेकिन अगर ऑयल जो है हमारा फ्यूल जो है हमारा BS6 अपग्रेड वाला है लेकिन इंजन जो है पुराना BS4 वाला है, तो वो जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो ठीक है यहाँ पे बढ़ा दी गई है, फ्यूल की एफिशिएंसी वगैरह, ठीक है, सेफ्टी पर्पस, अब जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं कि ABS जो हो गया और एयरबैग जो सिस्टम हो गया स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 2020 के जो भी अभी नए कार्स वगैरह आएंगे उसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो SCR है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, SCR मतलब सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन, तो ये क्या है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, क्या है विच इज एडवांस एक्टिव इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये एक प्रकार का एडवांस
एक्टिव इमिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल लेगे, जो भी इमिशन हो रहा है जो हमारी पॉल्यूटेड गैस उसको कंट्रोल करती है ये, ठीक है ना। तो वो कैसे कंट्रोल करती है वो अभी हम देखेंगे। इसमें क्या करेगा ये SCR कन्वर्ट, ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारी हार्मफुल गैस है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में, कुछ वाटर में कर देता है और टेनी अमाउंट्स ऑफ CO2 के कुछ छोटे छोटे पार्टी। देखो वैसे तो हार्मफुल CO2 भी है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है CO2 से ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 के छोटे छोटे पार्टिकल्स में करता है, कर देता है, ठीक है। तो ये जो होगा इस चीज, ये हमारे इंजन की खासियत यहाँ पे निकल के आ गई, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो NOx जो है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो 90% तक देखने को मिल सकता है अगर हम दोनों चीजें यूज करें, BS6 का इंजन और BS6 के ऑयल को, ठीक है। तो BS6 के फ्यूल को, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ये ऐसा दिखता है क्या एक्सपेंसिव होगा, क्या ये होगा, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो बनेगा ही, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो हमारा इंडिया के सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम पॉल्यूशन को कंसर्न में रखें, हमारे हेल्थ को कंसर्न में रखें, तो शायद ये एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि हमारे हेल्थ से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो कुछ भी नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बिजनेस फैक्टर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी जो कंट्रीज है वहाँ पे Euro 6 जो लेबल है इमिशन रेगुलेशन वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, इसलिए हमें BS6 करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंक्लूजन में हम बात करते हैं कि दिस आउटकम शुड बी वेलकम, द पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स और पब्लिक हेल्थ में, लोगों की हेल्थ सुनेगी। तो जो हम पैसा अपनी हेल्थ में लगा रहे हैं ना कि फालतू का हमारे एयर जो खराब हो रही है उस वजह से जो हमें देखने को मिलता है कि पॉल्यूशन की वजह से जो हमें बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वो जो हेल्थ में पैसा लग रहा है वो पैसा हम यहाँ लगा सकते हैं और हम अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैसे तो करना ही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं तो यही एक छोटा सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइसिकल साइकिल का यूज करिए, ठीक है। अगर जैसे मैंने देखा है कि छोटे छोटे लोग जो हैं अगर थोड़ी सी 1 या 2 किलोमीटर की एरिया में भी अगर वो जाते हैं तो गाड़ी लेके, कार लेके, अकेले जैसे जिम करने भी जाते हैं या घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वो उसका यूज करते हैं, जो कि मुझे एक प्रोडक्टिव नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यार 1 या 2 किलोमीटर के लिए आप इतना सर, तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप लॉन्ग राइड के लिए, चलिए ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, लेकिन शॉर्ट राइड अगर आप कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए साइकिल, इन सारी चीज़ों का यूज करिए, जिससे आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इमिशन बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक सजेशन है मेरी तरफ से, तो वो आप देखिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, ठीक है, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैं खुद पर्सनली 2-4 किलोमीटर या आसपास के लिए मैं यूज करता ही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो कंक्लूजन की, यहाँ पे देखिए सुपर लो इमिशन होने वाला है, ठीक है। जो इमिशन होगा जो गैसेस हैं उनका लो इमिशन जो होगा ऑब्वियस बात है लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डीजल वैल्यू चेन बन जाएगी, ठीक है, पॉइंट्स मोर सेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आउटकम्स मतलब इस प्रकार के कंक्लूजन के अंदर आउटकम्स जो हमारी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द पॉल्यूटिंग व्हीकल, जो पॉल्यूटिंग व्हीकल है उनको घटाने के लिए हमारा ये सिंगुलर ऑब्जेक्टिव रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारे को अच्छा करना है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ ये हमारा एक कदम है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, स्टडी टाइम ओनली सर्च करके वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो पहली बार आए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, और जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है वो लोगों तक फैलाएं, लोगों को बताएं कि स्टडी टाइम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है राज्यसभा TV, और एक एक चीज़ को लेके आ रहा है जो कहीं और YouTube के अंदर नहीं पढ़ाई जा रही है वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और वैसे भी हम ये चैनल अभी ग्रो हो रहा है इसको, तो धीरे धीरे आपके डिमांड्स के ऊपर इस चैनल के अंदर लेक्चर्स लेके आते ही रहेंगे। अभी हम MPPSC का भी कोर्स एक लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी MPPSC का हमारा कोर्स आने वाला है। तो जो और एक CAPF जो हमारा होता है तो उसके लिए हम एक कोर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेरियस एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स और उनके लिए समरी कोर्सेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे भी जो ऐसा लगे कि लोगों को हेल्प है, लोगों को चाहिए, इसकी नीड की ज़रूरत है, तो वहाँ तक लोगों को आप पहुँचाइए, ठीक है।
तो अभी हम लेक्चर अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन.